Okay, once again I welcome you all in my next lecture on chemical kinetics. So aaj jo topic deal karenge, that is the name of the topic, is temperature coefficient of the reaction. Isse questions aate hain generally, NEET mein to kaafi question aaya hai hua isse temperature coefficient of the reaction. तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या है. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज डिफाइंड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस. तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं सिर्फ, और यू कैन से रेट कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रेट कॉन्स्टेंट विच इज डिफाइंड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस. मतलब अब इसको समझा देता हूँ मैं. टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्स एंड 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन इज वाई, और अपने को बोला गया कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालिए. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, वाई अपॉन एक्स सिंपली, कि 10 डिग्री का डिफरेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन एट कहाँ पे, टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन एट टी, इसका रेशियो लेंगे, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट. और टेम्परेचर कोएफिशिएंट मान लीजिए कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी सी इस तरह से, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इक्वल्स टू के टी प्लस 10, मतलब 10 एन अपॉन के टी. तो ये या तो रेट का रेशियो लीजिए या रेट कांस्टेंट का रेशियो लीजिए एट टू डिफरेंट टेम्परेचर दैट डिफर्स बाय 10 डिग्री सेल्सियस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं. बहुत सिंपल है टेम्परेचर कोएफिशिएंट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर देखेंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज जनरली बिटवीन टू एंड थ्री के बीच में इसका वैल्यू होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और काफ़ी टाइम में टू ही होता है एक्चुअली. बोला भी जाता है कि अगर रेट ऑफ अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से चेंज कर रहे हो या 10 केल्विन से चेंज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए इसका क्या मतलब, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना हो गया, टू हो गया. तो ये जन अगर नहीं दिया हुआ तो टू मानेंगे, अगर दिया हुआ तो जो वैल्यू दिया है उसको लेके चलेंगे. अब जैसे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, कि मान लीजिए अपने को एक दे रखा है कि टी वन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन जो भी है, टी वन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए आर टी वन है, और टी टू टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आर टी टू है, और ये 10 जरूरी नहीं कि ये 10 का डिफरेंस होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और बोला गया है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है टी सी है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट टी सी है, तो आप आर टी वन एंड आर टी टू में रिलेशन निकालिए. तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला कैसे आए वो भी मैं बताऊँगा आपको. तो फॉर्मूला आर टी टू विल बी इक्वल्स टू आर टी वन इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट अप टू द पावर टी टू माइनस टी वन, टी टू जनरली हायर मान रहा हूँ मैं, और अपॉन 10. तो ये वैल्यू ये आप याद रखो तो अच्छा है, अदरवाइज लॉजिक भी मैं बताऊँगा, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें देखेंगे कैसे लॉजिक लगाते हैं हम लोग, दोनों तरीके से हम लोग कर लेंगे. तो दिस इज द डिफरेंस. तो आर टी टू क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर, आर टी वन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट लोअर टेम्परेचर, ये टी सी क्या है, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टू. जैसे एक मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है
कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ए से बी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे टी सी का वैल्यू दे रखा है, टी सी का वैल्यू दे रखा है दिस इज 2, और बोला गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और उन्होंने पूछा है कि 55 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बिना, अगर मान लो फार्मूला अपने को याद नहीं है तो फार्मूला बिना याद किए इस रिएक्शन को निकालेंगे और फिर देखेंगे फार्मूला में अप्लाई करके। तो क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका कितना है रेट, आर दे रखा है, तो 10 डिग्री और बढ़ाएंगे, तो 10 डिग्री और बढ़ाएंगे तो मतलब 35 पे कितना हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या दे रखा है 2, तो इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। ओके, देन 35 से अगर 45 पे आप गए तो इसका कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा, और ये सब डिग्री सेल्सियस। और अगर 10 और बढ़ाया 55 गए तो कितना हो जाएगा 4R का डबल दैट इज 8R, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन 55 के कितना 8R। अब फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं, रेट एट 55 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, रेट एट 25 इंटू टी सी टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो निकालना ही है, रेट एट 55 इस पे क्या हो जाएगा ये R दे रखा है और टी सी का वैल्यू कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और T2 माइनस T1 मतलब 55 माइनस 25 बाई 10। ओके, तो ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा R 55 इक्वल्स टू R 2 का पावर अगर देखेंगे कितना आ जाएगा 55 माइनस 25 जीरो 3 30 अपॉन 10 डैट इज 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 का पावर 3 एंड दैट कम टू 8R। तो इस तरह से, सो दिस इज कॉल एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है कि रेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, इससे हम लोग रेट निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू।